बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और हम डिस्कस करने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। टॉपिक क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओस। तो देखा जाए तो हमने बहुत सारे एनजीओस और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया है। कि कौन सा लेक्चर में? कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजी, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ जो लेक्चर उसमें किया है। उसके बाद बहुत सारे और भी लेक्चर्स में हमने यही एनजीओस के नाम, जिसमें डब्ल्यूडब्ल्यूएफ हो गया, आईयूसीएन हो गया, उसके बाद तो सोनोले पर ट्रस्ट हो गया, वो हिमालयन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हो गया। इस तरह के कई एनजीओस और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम इन एनजीओस या ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल से एक एक करके पढ़ने वाला है आगे। तो आज हम पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? WWF। WWF का जो फुल जो फॉर्म है वो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। WWF क्या है? दुनिया का एक लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है विथ मोर देन 5 मिलियन सपोर्टर्स वर्ल्ड वाइड। पूरे दुनिया में इसके कितने सपोर्टर्स है? 5 मिलियन सपोर्टर्स हैं वो WWF के। ये काम करता है 100 से ज़्यादा ममालिक में, वर्किंग इन मोर देन 100 कंट्रीज एंड सपोर्टिंग अराउंड 3000 कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट। 3000 इन्वायरमेंटल और कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के को सपोर्ट करता है WWF। दे हैव इन्वेस्टिंग अवर 1 मिलियन इन मोर देन 12000 कंजर्वेशन इन्वेंटिव्स सिंस 1995। ये जो WWF है 1 बिलियन से जो से भी ज़्यादा जो डॉलर है 1200 कंजर्वेशन इन्वेंटिव्स 1995 से अब तक इतने खर्चा कर चुके हैं, कर रहे हैं। इसके बाद WWF से फोन विथ 65% ऑफ फंडिंग फ्राम इंडिविजुअल्स। WWF के लिए जो 65% है वो फंड इंडिविजुअल्स इन बिगेस्ट लोग और उनके विरासत से आते हैं 65%। उसके बाद 17% फ्राम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से 17% आता है। गवर्नमेंट में कौन कौन सा है? सच ऐसा हमारे पास आ गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, डिफिट हो गया और आसिफ वगैरह। ये जो गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स है वो कितना शेयर करता है? 17% एंड 8% फ्रॉम कॉपरेशन इन 2020 में जितने भी जो कॉपरेट करने वाले हैं जो WWF को, उनसे कितना परसेंट आया? 8% आया। अब हम इसके जो WWF कब बनाया गया था, ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनाया गया था, तो हम देखते हैं WWF फाउंड इन 1961 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। शुरू में इसका नाम क्या था? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड था। शुरू में इसका नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड था। उसके बाद पाकिस्तान में 1970 में ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, क्योंकि पाकिस्तान क्या था? बायोलॉजी बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री था, जिसमें बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी पाया जाता था। इसलिए पाकिस्तान में जो स्पीशीज की कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी थे, इसलिए WWF ने 1970 में पाकिस्तान में अपना क्या बनाया? हेडक्वार्टर बनाया। और हेडक्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो इंटरनेशनल लेवल पर स्विट्ज़रलैंड में ये इसका हेडक्वार्टर है, और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में ये लाहौर में है इसके हेडक्वार्टर, और इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो 1986 में इसका नाम चेंज कर दिया। शुरू में क्या था? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF था। बाद में भी इसका जो एब्रिविएशन जो क्या था, शॉर्ट फॉर्म क्या था? WWF ही है, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म चेंज करके क्या रखा? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर रखा गया। तो बस बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर आया, तो वो समझते हैं कि हमने तो WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड सर्च किया था, लेकिन हमें गलत डेटा मिल रहा है। तो गलत डेटा नहीं है, ये 1986 में इसका नाम चेंज किया था इस ऑर्गेनाइजेशन का।
तो क्या रखा था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड्स फॉर नेचर रखा था। तो शुरू शुरू में मैं खुद कंफ्यूज था, फिर मैंने आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि इसका नाम चेंज किया गया था। तो इसका असली जो बेसिक मकसद क्या है WWF का, टू कंजर्व नेचर, ये जो जो नेचर को बचाना है, सबसे अवलीन इसका जो तरजीह देता है वो क्या क्या है, जो नेचर को बचाते हैं, एंड रिड्यूस द मोस्ट प्रिजर्विंग थ्रेट्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और कम करते हैं जितने भी जो थ्रेट्स है, जो दुनिया में जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डाइवर्सिटी है, इनके लिए जो खतरे हैं उनको क्या करता है, रिड्यूस करता है, ये इसका एम है। तो वाइल्ड लाइफ जो WWF का एम्स क्या है, हम इसके एम्स के बारे में बात करें तो क्या करते हैं, वर्क टू रिड्यूस ग्लोबल इश्यूज, दुनिया के अंदर जितने भी जो ग्लोबल इश्यूज है, जिसमें क्या हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, जिसमें इश्यूज की दूसरी बात करें तो हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस हो गया, इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग हो गया, एसिड रेन वगैरह, इस तरह की जो नेचुरल या आर्टिफिशियल जितने भी चैलेंजेस हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो चैलेंजेस है, इन सब का क्या करता है, इनकी जो इश्यूज को क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करते हैं। दूसरा, टू प्रोवाइड जॉब्स फॉर लोकल कम्युनिटी, हमने ऊपर भी डिस्कस किया गया था कि वाइल्ड लाइफ क्या करता है, 5 मिलियन सपोर्टर्स है इसका, ये जो लोकल कम्युनिटीज है, जो रूरल एरियाज में रहने वाले जो लोग हैं, इनके लिए जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि इतना बड़ा NGO ऑर्गेनाइजेशन होगा तो इसमें मिलियंस लोग जॉब करते हैं, तो लोकल कम्युनिटी के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं, जॉब प्रोवाइड करते हैं, कौन, WWF। इसके बाद सस्टेनेबल यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्स, कुदरती जो वसाइल्स है उनको क्या करता है, सस्टेनेबल यूज करता है। मैंने बार बार कहा है कि सस्टेनेबिलिटी किसे कहते हैं, फर्ज करें हमारे पास 100 पौधे हैं, ट्रीस है, इन 100 में से हमने क्या करना है, 10 को काटना है, 10 काटा है तो 10 या 20 प्लांट नए जो प्लांटेशन करें, तो इसको सस्टेनेबल यूज करते हैं, इस्तेमाल करें और अपना फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखें, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सस्टेनेबल यूज। तो इनका मकसद क्या था, WWF का सस्टेनेबल यूज करना था नेचुरल रिसोर्सेज का, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा कर रखना था रिसोर्स। तीसरा क्या है, इंक्रीजिस द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज, दुनिया में जितने भी ममालिक है या जितने भी लोग हैं, इनका जो इकोनॉमी को क्या करना था, बढ़ाना था। जैसे कि वाइल्ड लाइफ रिक्रेशनल वैल्यू प्रोवाइड करता है, जैसे कि किसी मुल्क में वाइल्ड लाइफ ज़्यादा हो तो वहाँ पर क्या होता है, टूरिज्म अट्रैक्शन होते हैं, वहाँ पर टूरिस्ट आते आने से क्या होगा, मुल्क की इकोनॉमी बढ़ जाएगा, तो इसीलिए वाइल्ड लाइफ की हिफाजत करने से क्या होता है, बहुत सारे ममालिक सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पे डिपेंड करता है। इनमें कौन सा है, कीनिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये जंगलात की वजह से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, तो इनकी इकोनॉमी बढ़ता है वाइल्ड लाइफ को बचाने से। तो क्या होता है, प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ, ये और इसका दूसरा जो एम्स क्या है, वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन करता है, उसके बाद तो वाटरशीड की मैनेजमेंट करता है, जैसे कि पहाड़ों से जो ग्लेशियर्स पिघल के आते हैं वक़्त, तो वो बहुत सारे जो प्लांट्स को डिस्टर्ब करते हैं, तो इनको मैनेज करना, इनकी स्पीड ऑफ वाटर को कम करते हैं, ये तमाम काम भी वो करता है। उसके बाद क्या करता है, इको सिस्टम की कंजर्वेशन करता है, इको सिस्टम की प्रोटेक्शन करता है, इको सिस्टम को बचाता है ताकि हम इंसान सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। उसके बाद इन्वायरमेंट की हिफाजत करते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी जो चैलेंजेस हैं इनको सोल्व करते हैं। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दुनिया के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी की हम बात करें तो सिर्फ 3% डिस्कवर हुआ अब तक, बाकी 97% डिस्कवर ही नहीं हुआ, यही 3% डिस्कवर होने से आज दुनिया में क्या होता है, बहुत सारे बीमारियों के लिए दवाइयाँ बनाने में कामयाब हुआ है। इसके बाद कैंसर तक के लिए दवाई कहाँ से आता है, ये बायोडाइवर्सिटी से आता है, तो बायोडाइवर्सिटी की क्या करता है, कंजर्वेशन करता है, प्रोटेक्शन बायोम्स, दुनिया के अंदर जितने भी बायोम्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करता है, जिसमें फॉरेस्ट बायोम्स हो गया, जिसमें डिजर्ट बायोम हो गया, उसके बाद
पेनिन बायोम्स हो गया, उसके बाद विजिटेटिव बायोम, बहुत सारे बायोम्स है, इनको बचाते हैं, उसके बाद रेंज लैंड को बचाते हैं, उसके बाद फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इसकी हिफाजत करते हैं, ताकि मैं जो फ्रेश वाटर में रहने वाले जितने भी स्पीशी वाइल्ड लाइफ के वो बचा के रहे, और इंसान के लिए जो फ्रेश वाटर है वो पीने के लिए भी ज़रूरत होता है, इसके अलावा बहुत सारे और कामों के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसकी हिफाजत करना। उसके बाद मेरीन इकोसिस्टम, मेरीन इकोसिस्टम में बात करें तो हम पूरे दुनिया में ज़्यादातर जो फिशेस पाए जाते हैं, उसके बाद जो जितने भी जो पानी में रहने वाले जितने भी स्पीशीज है वो ज़्यादातर मेरीन लाइफ में सर्वाइव करते हैं, तो इनको क्या करते हैं, इनकी हिफाजत करने से, ये मेरीन इकोसिस्टम को बचाने से ये स्पीशीज की क्या होगा, इनके भी प्रोटेक्शन साथ साथ होगा। तो टू ट्राई सॉल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज, देखो ऊपर भी डिस्कस किया था कि जो एनवायरमेंटल जो इश्यूज है इसको हल करने के जो कोशिश करते हैं, हल करने के लिए कोशिश करते हैं बहुत सारे ये WWF के जो सपोर्टर्स है, इनके वर्कर्स है, वो क्या करते हैं, हार्ड वर्किंग कर रहे हैं ताकि इन इश्यूज से हमें छुटकारा हासिल हो सके। तो ये थे WWF, आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक नया ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।